रोज बेटा, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई हो? बस ऐसे ही। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो कल से मेरे दिमाग में चल रहा? मैं कुछ समझी नहीं। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। सलमान की दोस्त अलीजे इस तरह अचानक घर आ गई और आके रह भी गई। दोनों की इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन हमारी गलतफहमी भी तो हो सकती है ना ताईजान। हो सकता है हम गलत महसूस कर रहे हो। एंड मुमकिन है। लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रख ले, सलमान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसने महरीन की जिद के बावजूद तुमसे शादी की, जो सलमान के लिए आसान नहीं था। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ताईजान। ऐसे एक दिमाग में मेरी एक बात आई, सलमान की शादी को काफी टाइम हो गया है ना? आपका कितना दिल चाहता होगा कि आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन घर में ऐसे घूम रहे हो। मेरा मतलब है मुझे लगता है कि सलमान के बच्चे तो बहुत प्यारे होंगे, है ना? प्यारे प्यारे से सलमान की तरह, राइट? ये अरूज मेरे बेटे की जिंदगी में जबरदस्ती घुस तो आई है, उसे आने से तो मैं रोक नहीं सकी, मगर मैं उसे निकाल तो सकती हूँ। इतना अरसा हो गया, अरूज अब तक माँ नहीं बन सकी। अब सलमान को बताना है कि इस तरह की लड़की को अपनी जिंदगी में रखना कितना फजूल है। तुम्हें औलाद चाहिए और मुझे मेरा वारिस, मेरा पोता। सलमान की दोस्त अलीजे इस तरह अचानक घर आ गई और आके रह भी गई। दोनों की इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं मैं सलमान और अलीजे को लेके कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, सलमान ऐसा नहीं कर सकता। मैं शायद उस पर गलत शक कर रही हूं। मगर शाइस्ता ताईजान, वो तो एक जहा दीदा खातून है। उन्होंने भी वही महसूस किया जो मैंने महसूस किया। का मतलब है कि ये बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में मौजूद तो जरूर है। बस अल्लाह करे ये मेरा ये शक शक ही रहे और ये वहम अपनी मौत खुद ही मर जाए। आमीन।
दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। आपने अभी तक एसजे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को ईमेल नहीं किया? सर मैं ऑलरेडी उन्हें इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। तो रिजल्ट कहाँ है? उनका रॉ मटेरियल लेट होने की वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। आप उनको एक फाइनल ईमेल कर दें कि अगर अब डिले हुआ उनकी तरफ से हम उनका एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। राइट सर। यू मे गो नाउ। थैंक्स। हाँ रूश बोलो। हाँ सलमान, वो तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या बात करनी है, पूछो। सलमान वो तुम्हें और अलीजे को लेकर, उसकी इतनी बेतकल्लुफी को लेकर मेरे जहन में एक सवाल आया है। कैसा सवाल? तुम दोनों जब अमेरिका में थे तो एक ही अपार्टमेंट शेयर करते थे, राइट? हाँ हम लोग अपार्टमेंट शेयर करते थे। क्यों? देखो सलमान, इससे पहले ना तो मैं ये जानती थी कि कोई अलीजे नाम की लड़की भी है और ना मैं ये जानती थी कि तुम उसके साथ अपार्टमेंट शेयर करते थे। अरूज, क्योंकि अलीजे मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बताना भूल गया था। एंड बाय द वे, उसकी मामा भी रहती थी हमारे साथ अपार्टमेंट में। चलो ठीक है। नहीं ठीक, बिकॉज तुम शक कर रही। अरूज, अलीजे सिर्फ मेरी एक दोस्त है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया तुम्हें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह करे सलमान ने जो कहा है वही सच हो।